सब्सक्राइब कीजिए प्रथमेश ज्योतिष चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बात अगर कन्या राशि के व्यक्तित्व की करें तो इसका प्रतीक चिन्ह कन्या होता है। ये आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। सामान्य रूप से ये स्वस्थ और मजबूत दिखते हैं। इनका चेहरा अंडाकार और आकर्षक होता है। संचालन में ये बहुत कुशल होते हैं। कलाओं में निपुण तथा धनी रहते हैं। वाणी में मधुरता, बुद्धिमत्ता तथा विचारशीलता और व्यवहारिकता इनकी खासियत होती है। स्वच्छता के अति आग्रही तथा हर काम को व्यवस्थापूर्वक करना चाहते हैं। मेहनती और सफलता को तेजी से पाने वाले ये व्यक्ति होते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में भाग्यशाली नहीं होते हैं। फरवरी महीने की कन्या राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर के किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद होगा और उनके साथ कहासुनी भी हो सकती है, जो आगे चलकर कलह का रूप लेगी। ऐसे में पहले से ही सावधान रहें और किसी बात को बेवजह बढ़ने न दें। घर में छोटे भाई बहन हैं या उनकी, तो उनकी भावनाओं का आदर करें और उनके साथ सही तरीके से पेश आएं। माह के तीसरे सप्ताह में घर में अचानक से धन लाभ होगा और सभी इसको लेकर उत्साहित दिखाई देंगे। किसी पुरानी बात को लेकर प्रसन्नता छाई रहेगी। घर वालों के साथ धार्मिक यात्रा जाने का भी मन बना सकते हैं। इसके लिए आप प्लान बना सकते हैं। सभी घर वाले आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। अगर आपके बिजनेस की बात करें तो अगर आप व्यापारी हैं तो इस महीने कुछ बुरा हो सकता है। आपको किसी पुराने काम के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है या व्यापार में किसी कारणवश नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। गैर कानूनी काम करने से बचें। नौकरी में बॉस आपके काम से खुश तो होंगे, लेकिन आपकी नज़र नए काम को पाने में रहेगी। इस महीने आप खुद में सुधार लाने का भी विचार करेंगे और कुछ नया सीखने का विचार भी आपके मन में आएगा। घर वालों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और किसी रिश्तेदार के साथ आपका आपसी प्रेम और बढ़ेगा। कन्या राशि के शिक्षा और करियर की बात करें तो अभी स्कूल में हैं तो करियर को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य को लेकर रणनीति बनाने का कार्य भी इस महीने हो सकता है। इसमें आपको अपने अध्यापक और मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा तथा कोई अपना आपको उचित मार्गदर्शन देगा। यदि आप सरकारी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों में काम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और कुछ समय के लिए ऐसा होगा ही। हालांकि इससे आपकी तरक्की होगी और कुछ नया अनुभव भी आपको मिलेगा। कन्या राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने आपका कहीं बाहर जाना होगा और वहां पर किसी के साथ बातचीत शुरू होगी, जो धीरे धीरे प्रेम संबंधों में बदल सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो ये महीना कोई जीवन साथी मिलेगा और आप उसे पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको संतान प्राप्ति का अवसर इस महीने मिल सकता है। घर में सभी आपको लेकर उत्साहित रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो डायबिटीज़ के रोगी हैं तो ये महीना स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा और शुगर का लेवल भी बढ़ सकता है। ऐसे में मीठा खाने से परहेज करें और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। किसी चीज़ को लेकर उत्साह रहेगा जिस कारण मन आनंदित होगा। महीने के अंत में गले से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। यदि आप कुछ दिनों से किसी बात को लेकर आशंकित हैं तो उसके होने या ना होने को लेकर शंका में, तो ये महीने आपको उससे मुक्ति मिलेगी। मन शांत रहेगा और पहले से ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे। हालांकि किसी बात को लेकर चिंता तो रहेगी, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सामान्य तौर पर फरवरी का महीना कन्या राशि वालों जातकों के लिए सफलता के द्वार खुलने वाला होगा, लेकिन कई क्षेत्रों में परेशानी भी होगी। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पंचम भाव के शनि और एकादश भाव के द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। हालांकि पंचम भाव में सूर्य, बुध और शनि एक साथ होने से विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। इसी तरह शुक्र के चतुर्भाव में मंगल के साथ होने से पारिवारिक कलह के संकेत हैं। सूर्य और बुध और शनि के पंचम भाव में होने से प्रेमियों के लिए मुश्किल समय होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना होगा। फरवरी का ये महीना आपके जीवन में कुछ परेशानियों के साथ अच्छे परिणाम भी लेकर आया है। बात अगर इस महीने के उपायों की जाए तो शनिवार के दिन आप विशेष रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना लाभकारी होगा। गौ माता को हरा पालक और हरा चारा प्रतिदिन नियमानुसार खिलाएं। आशा वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।